क्रिकेट से मुतल्लिक तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर बात करेंगे। आज बहुत अरसे बाद एक वीडियो बनाने जा रहे हैं और कल से ये सीरीज शुरू होगी और सिडनी में पहला T20 मैच खेला जाएगा और सरफराज अहमद जो पाकिस्तान टीम के कप्तान थे अब उनको टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया और कप्तानी से भी उतार दिया गया, उनके बारे में पूछेंगे। और जो बाबर आजम को T20 की कैप्टनसी मिली है और अजहर अली को टेस्ट टीम की कैप्टनसी मिली है उसके बारे में पूछेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान ये जो 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस है आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करेगा। पाकिस्तान T20 में टेस्ट जैसा परफॉर्म करेगा और टेस्ट में T20 जैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि सिडनी में ऐसी ग्राउंड है कि बॉल तेज आता है आप हिटिंग करेंगे तो आप बचेंगे। आप कहें मैं डक के बॉल से बच जाऊंगा तो ये झूठ है। बॉल स्विंग करेगा, बॉल हाइट पे आएगा, जैसी हाइट पे आएगा आपके सारे प्लेयर्स को हाइट पे इशू है, ना तो वो पुल मार सकते हैं। जब वो पुल ही मार सकते हैं आप समझ लिया मैच नहीं जीत। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 10 साल के बाद कोई पहला T20 मैच खेलने लगा है। एक ही T20 मैच खेला था पाकिस्तान 2010 में जो जनवरी में हुआ था, वो याद होगा आपको जब कामरान अकमल 50 किया था लेकिन पाकिस्तान से 124 चेज नहीं था हुआ और वो शॉन टेट ने जो स्पेल कराया था 160 का इमरान फरद को तो गेंद भी नज़र नहीं था आया। वही तो मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के जितने बैट्समैन हैं वो जो है ना फ्रंट फुट के प्लेयर हैं, बैक फुट पे वो खेल ही नहीं सकते। जैसे बॉल बैक फुट पे स्पीड से आती है तो ये बोल्ड हो जाते हैं, कट कैच आप ऊपर चढ़ा देते हैं ऐसे ही। अब देखें आपके पास बाबर आजम है वो भी स्टॉप करता है बॉल को, उसके बाद आपने जो विकेट कीपर रिजवान रखा वो भी बॉल को स्टॉप करता है, उसके बाद आपने हारिस हेल वो भी बॉल को स्टॉप करता है ऐसे ही, और उसके बाद इफ्तिखार हो गया, उसके बाद अगर इमाद वसीम ये सारे स्टॉपर है, ये हार्ड हिटर नहीं है। अगर उमर अकमल होना चाहिए था इस टीम में, नहीं उमर अकमल को तो माशाल्लाह जितना चांस दिया सरफराज को डूबने वाला ही वो है, उमर अकमल को तो नहीं होना चाहिए। शहजाद और उमर अकमल ने सरफराज का कैरियर खत्म किया है, एग्री करते हैं इस पर। ये बेसिकली रखे इसलिए गए, रखते ही इसको इसके लिए, फरीदी का कैरियर खत्म इन दोनों ने किया, मिसबा को खत्म इन दोनों ने किया, आज सरफराज अहमद की बारी है। कराची का लड़का था, चलो कोई बात नहीं, कराची के लड़के ने परफॉर्म नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, परफॉर्म बहुत बड़ा लफ्ज है, कुछ भी नहीं किया कितने सालों से, वो कुछ नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, था तो कराची का लड़का ना, तो उसको लेकिन कोटा सिस्टम हो जाना चाहिए, 4 लड़के कराची के डाल दो, बाकी को चाहे कुछ करें या ना करें। यार देखना फवाद आलम के साथ जाती हो रही, तो उमर कामरान के साथ जाती नहीं हो रही, वो पिछले 4 सीजन से टॉप स्कोरर जा रहा है, वो लाहौर का, उसका कोई नहीं नाम लेता। उसको T20 टीम में तो डालना चाहिए था। सो खैर वो कामरान के भी अलग इश्यूज हैं, लेकिन फवाद आलम के साथ भी है और इस तरह वो जो वैसे ऑस्ट्रेलिया की इस टाइम जो बैटिंग लाइनअप चल रही है वो बड़ी जबरदस्त चल रही है, और आपकी बॉलिंग में एक ही वार्नर तो आउट ही नहीं हुआ श्रीलंका, आपकी बॉलिंग लाइनअप में एक ही अच्छा बॉलर आया जो उस्मान कादर है। उसकी परफॉर्मेंस में ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया हुआ है तो, लेकिन उसको खिलाना नहीं हमने, क्योंकि इमाद वसीम और शादाब खान के साथ ही देख लेंगे ये जाएंगे सुबह मैच के लिए। नहीं मेरा नहीं ख्याल कि शादाब को लेके जाएगा, शादाब की बैटिंग फारिग है। नहीं शादाब ने प्रैक्टिस मैच में 3 आउट कर दिए हैं ना, तो पक्का है कल तो खेल रहा है, वो चाहे कल मार खा के बाहर हो जाए टीम से वो अलग बात है। अच्छा बाबर आजम परफॉर्म करेगा कैप्टन होते हुए, एज अ कैप्टन वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा जी हाँ, पहले वो 50 पे 50 करता था, अब 70 पे 50 करेगा। वैसे उसने कहा कि मैं केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ और ये जो रूट जैसे कैप्टन बनने की कोशिश करूंगा, जो उनकी फोटो मुंह पे लगा ले, हाँ जो परफॉर्म भी करें और टीम को भी, केन विलियमसन पीछे लिखवाए जे रूट के आगे फोटो छुपा ले, दोनों जैसे ही हो जाएगा। अच्छा बंदा है यार, अब वो कह रहा, ये नहीं कह रहा कि मेरा नाम उनसे ज्यादा होगा इंशाल्लाह, नहीं ये कह रहा मैं उन जैसा बनूंगा। अभी तो उन जैसा ही बन जाए बड़ी बात है, उनसे आगे तो अभी बहुत दूर की बात है, ठीक है ना, अभी उनके कैलिबर का नहीं है ये, सोच ही छोटी है यार नहीं, उनके नहीं, सोच नहीं आजिज बंदा है क्या, उमर अकमल जैसा तो नहीं ना, वो भाई वो 2 नंबर पे खेलता है तो मुझे भी 2 दूसरे पे 3रे पे खिलाओ। अच्छा मैं समझा वो 2 नंबर खेलता है, कोहली के बारे में ये बात कह रहे हैं, 3रे नंबर पे याद है उसका बयान, तो खैर वो सारी ड्रामेबाजी है। अच्छा वैसे इस टीम में का क्या बनेगा, वैसे इस टीम में ना जो 20 की टीम थी इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2 हार्ड हिटर होते, कौन कौन से, एक हफीज लाजमी, हफीज उसके साथ आप मलिक को ले जाते, मलिक ने T20 में नहीं किया हुआ, मलिक ने स्कोर किया हुआ T20 नहीं, उसने रिटायरमेंट नहीं ना, नहीं रिटायरमेंट नहीं ली, उसको रख लेते और हफीज को ले लेते, साथ में आप ले लेते आसिफ अली
और उसके बाद जो है आसफ अली ने आबिद पिछले अली कुछ, की जगह बनती थी रिजवान की जगह। हाँ रिजवान जो है ना वो रिजवान टी ट्वेंटी आबिद में अली नहीं उसकी जगह से बनती और वो बहुत कम निकल जाएगा, खेलता, निकल जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ जो वो वाइस कप्तान बना अगले रही साल है। जो वर्ल्ड टी ट्वेंटी ऑस्ट्रेलिया में होना ना, इस टीम से 6 लड़के कम से कम बाहर होने हैं उस वर्ल्ड कप के स्क्वाड नहीं में। मुझे बताएं कि वो वाइस कप्तान है, वो कैसे बाहर हो जाएगा? हो जाते इधर कैप्टन बाहर हो जाते हैं तो वाइस कप्तान की क्या हैसियत है? देखें बात ये, सरफराज को निकाला नहीं ट्वेंटी ट्वेंटी में आबिद अली की जगह बनती थी, जी, ट्वेंटी ट्वेंटी में आबिद अली को इमाम को रखा। नहीं डाल लिया। नहीं वो अब ये बताएं इमाम को क्या ऐसा, अब तो इंजमाम भी नहीं है क्या ऐसा, उसका क्या चक्कर है? एस्टेब्लिशमेंट का बंदा क्या चक्कर है? उसकी वीडियो वायरल होती है ना, वो पब्लिसिटी गंदी स्टंट गंदी करता है, गंदी गंदी बातें जो कर रहा होता है। पब्लिसिटी स्टंट करता है, इसलिए उसको रख लेते हैं, चलो शुगर मेला लगा रहता है। बेसिकली ना यारी दोस्ती बड़ा काउंट करती है। हाँ बाबर आजम की उस्मान कादर से थी, तो उस्मान कादर वापस आ गया, ऐसे ही है। वरना उस्मान कादर का कोई नाम लेता था। अच्छा अब ये देखते हैं कि पाकिस्तान पिछले कोई 15 सालों में ना सिर्फ एक मैच ऑस्ट्रेलिया में जीता है, ठीक है, और वो मोहम्मद हफीज कैप्टन था, याद होगा आपको, जो 2016 में टीम गई थी और शर्जील खान और बाबर आजम ने स्कोर किया था। सो खैर शर्जील खान भी वापस आने वाला है, ये भी एक T20 में इंशाल्लाह इन फ्यूचर टीम आएगा। है और वर्ल्ड कप खेलेगा ये लड़का। तो क्या इस बार आप कितने मैच एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान जीतेगा? 5 में से 1 ट्वेंटी ट्वेंटी पहले टेस्ट तो कोई देखना, भी नहीं टी जीतेगा, ट्वेंटी है ना। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं जीत ही ना जाए। नहीं, जो T20 है ना हाँ उसमें अगर आप फखर जमान के साथ जाते हैं बाबर आजम, हाँ बाबर आजम के साथ जाता है अगर तीसरे नंबर पे ये लेके आए उसको आसिफ अली को, हार्ड हिटिंग करवाया उसकी। हाँ एडिटिंग उससे होती कोई नहीं, पहली बॉल पे या दूसरी बॉल पे एक छक्का दूसरी पे आउट। नहीं, वो उसको अगर तीसरे नंबर पर खिलाएंगे ना, वो ज़्यादा अच्छा स्कोर करेगा, मेरा नहीं क्योंकि ख्याल उसने इंग्लैंड में जितने ज़्यादा ओवर खेले उतना ज़्यादा स्कोर किया। इंग्लैंड में वो एक एक 50 शायद मारी है नहीं, उसने, दो फिफ्टी है दो उसकी। फिफ्टियाँ मारी हाँ, हैं। लेकिन वो जितना लंबा उसको खिलाएंगे ना, उसको तीसरे नंबर पर सबसे भाजेंगे। इंपॉर्टेंट मैच था ऑस्ट्रेलिया वाला जो वर्ल्ड कप वाला था हमारा, अगर वो मैच तो आ जाता ना तो कोई नाम रह जाना था। सो खैर आसफ अली भी वो निकम्मा ही है, उससे अच्छा इफ्तखार हिटिंग कर लेता है, उसको लाजमी इफ्तिखार खिलाएं, को नंबर चार इफ्तिखार पे को लाजमी खिलाएं। हारिस हेल को खिलाना कि नहीं? आरएसएल तो पक्का है ना, आरएसएल नहीं ये डोमेस्टिक प्रैक्टिस मैच भी आपको जिताया। अच्छा वो टेस्ट मैचेस प्रैक्टिस मैच में नहीं, ये जो इधर हुआ है मैचेस, श्रीलंका वाले नहीं, जो उसमें वो बड़े मैच सात खेले मैचों हैं, कुछ सात की एवरेज है, एक नहीं मैच में उसने कुछ स्कोर किया। परफॉर्मेंस है उसकी, वो लड़का अच्छा प्लेयर है। अच्छा टेस्ट मैचेस में क्या एक्सपेक्टेशन है? वैसे मेरी तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, 2-0 मुझे नजर आ रहा है, बल्कि नहीं सब आबिद कुछ अली, नजर आ रहा अगर है। आप आबिद अली के साथ ओपन करते हैं, वो आबिद अली और शान मसूद खेल लेंगे मेरे शान मसूद मुताबिक दो, ये दोनों से ओपन करवाते हैं, जी, तीसरे नंबर पे आप अजहर अली या खुद अजहर आएगा अली आएगा या बिल्कुल, बाबर आजम नहीं आएगा, तीसरे पे अजहर अली आएगा, चौथे पे बाबर आएगा, पांचवे पे आपके पास अर्शद शफीक और है, हारिस सोहेल आएगा, हारिस हेल छठे पे छठे अर्शद पे शफीक, अर्शद सातवें पे शफीक रिजवान, आपके पास। नहीं रिजवान नहीं उसमें खेलेगा, रिजवान खेलना, कीपर किसको खिलाना है? नहीं फखर जमान को खिलाएंगे साथ में, नहीं आबिद फकर अली एज अ जमान कीपर खेले। नहीं, रिजवान ही कीपरिंग करेगा। चलें वैसे टेस्ट की टीम आपकी बेहतर है। चलें देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है।